का माहौल रहता है छात्र संघ चुनाव में? पता नहीं, अभी तो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो ऐसा कुछ आइडिया नहीं। एक्साइटेड है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल एक्साइटेड है। हाँ, हम तो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है, दो साल से कोरोना में तो हुआ नहीं। तो लड़की लोग ये नेतागिरी में पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखती है? हाँ, आई थिंक एवरीवन शुड कम विद अ पर्टिकुलर स्कीम, अलग अलग स्कीम के साथ आना चाहिए। इंटरेस्ट ऑफ कोर्स होना भी चाहिए सबको, सबको होना चाहिए। नहीं, लड़की लोग उतना मतलब नहीं रखते। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबकी नीड्स है, सबकी प्रायोरिटीज है, सब देखते अपना। एक्साइटेड है कि नहीं चुनाव को लेकर? बहुत ज्यादा है। क्यों, कारण सबसे बड़ा? एक्साइटेड तो बहुत ज्यादा है और माहौल तो काफी गर्मा गर्मी छा गया है। अंदर भी बहुत ज्यादा कैंपेनिंग चला और बाहर भी नए नए पार्टीज को देखने को मिल रहा है। अंदर का माहौल ठीक ठाक है, बाहर का नहीं पता। खुश हैं कि छात्र संघ चुनाव हो रहा है? हाँ। लेकिन लड़कियां भी इंटरेस्ट लेती हैं इस पॉलिटिक्स? हाँ, काफी लोग इंटरेस्टेड हैं। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे कि हम मौजूद हैं मगध महिला कॉलेज के बाहर, जहां लड़कियां जो हैं वो कुछ न कुछ खा रही हैं। छात्र संघ चुनाव होने वाला है, आपको भी मालूम है, तो ये लोग जानती हैं उसके बारे में कि नहीं जानती? बताइए, छात्र संघ चुनाव हो रहा है, जानती हैं कि नहीं जानती? नहीं, नहीं मालूम। नहीं जानती हैं आप? इंटरेस्ट है छात्र संघ चुनाव में या नहीं, मतलब कि जानती हैं? नहीं, नहीं। कौन से ईयर में आप? थर्ड। थर्ड ईयर में, तो आप कभी सुनी भी नहीं है छात्र संघ? पहले से सुनी हूं। कैसा माहौल रहता है उस समय? अच्छा ही रहता है। अच्छा रहता है माहौल। अरे, आप लोग कौन से ईयर में? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर, तो कैसा माहौल रहता है छात्र संघ चुनाव में? पता नहीं, अभी तो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो ऐसा कुछ आइडिया नहीं। एक्साइटेड है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल एक्साइटेड है। सुनी क्या है कि छात्र संघ चुनाव में होता क्या क्या है? चुनाव होता है, लोग लड़ते हैं, हम लोग को वोट वगैरह करना होता है और जो जीतते हैं उन लोग को पावर्स मिलते हैं कुछ कुछ। चलिए, आप लोग फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में? सेमेस्टर वन में, फर्स्ट ईयर में। तो बताइए कि छात्र संघ चुनाव तो कभी देखी नहीं होंगी? नहीं, अभी तक तो नहीं। सुनी क्या है इसके बारे में कि कैसा होता बस है? अभी तक जितना बताया जा रहा उतना। तो एक्साइटेड है या नहीं? हाँ, एक्साइटेड है कि नहीं? हाँ। बताइए कि दिक्कत कितना लग रहा है सेमेस्टर वन में, कोई दिक्कत कॉलेज में? अभी तक तो नहीं हुई है ऐसा कोई। अभी फर्स्ट ईयर में? बताइए कि फर्स्ट ईयर वाले बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं छात्र संघ चुनाव के लिए, आप है कि नहीं है? अभी तक तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, बट है। सुनी क्या है छात्र संघ चुनाव को लेकर? ज्यादा जितना वहाँ पे बताया जा रहा है। अंदर का माहौल कैसा है, बाहर का माहौल कैसा है? अंदर भी उतना कोई प्रेशर नहीं डाला जा रहा है, जैसा है वैसे ठीक ही है। बस ठीक ही है। हाँ, एक्साइटेड तो बहुत ज्यादा है और माहौल तो काफी गर्मा गर्मी छा गया है। अंदर भी बहुत ज्यादा कैंपेनिंग चला और बाहर भी नए नए पार्टीज को देखने को मिल रहा है। सब लोग आपके पास आ रहे होंगे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे? लोग तो बहुत सारे वादे कर रहे हैं, पूरे करने वाले बहुत कम लोग हैं। अब जो पुराने लोग काम कर रहे हैं, हम लोग तो उन्हीं को सपोर्ट करना चाहिए। ये बताइए कि आपका मुद्दा क्या रहेगा, मतलब कि आपको क्या मिलेगा कि आप वोट करिएगा? मेरा मुद्दा, अगर हम MMC का बात करें तो यहाँ पे क्लासेस का बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि एक ही क्लास में फर्स्ट ईयर भी चल रहा है, सेकंड ईयर भी, थर्ड ईयर भी। तो अगर क्लासेस यहाँ पे बढ़ जाए तो वो थोड़ा एक अच्छा रहेगा। दूसरा चीज, यहाँ पे BCOM डिपार्टमेंट को एक अलग कर दिया गया है, उन लोग के लिए भी कुछ वर्क होना चाहिए ताकि उन लोग को भी मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जोड़ा जाए। तो यहाँ पे मुद्दा मैं सुन रहा हूँ कि फुट ओवर ब्रिज का बहुत चल रहा है। ब्रिज का चल रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी तो नहीं। छोटे छोटे मुद्दे आप जब पूरे नहीं कर पा रहे तो आप बड़ा मुद्दा क्या पूरा करेंगे? शुरुआत तो छोटा मुद्दा क्या? क्लासरूम का, क्लासरूम का इनसफिशिएंट क्लासरूम। आपने कहा कि माहौल बहुत गर्मा गया है अंदर भी बाहर भी। हाँ, गर्मा गर्मी तो काफी है। अब लड़कियां अंदर बहुत ज्यादा चल रहा है प्रचार प्रसार लोगों का, यहाँ पे हम ये करेंगे वो करेंगे। अब करता है कोई? करने वाला तो बहुत कम लोग होता है, करने वाला बहुत कम लोग होता है। मगध महिला की जो लड़कियां यहाँ पे मौजूद है, बताइए छात्र संघ चुनाव को कैसे देखती हैं? बस यही सवाल। कौन से ईयर में आप? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर, तो आप भी पहली बार देख रही होंगी छात्र संघ चुनाव, मुझे लग रहा है। हाँ। तो कैसा माहौल है? कुछ लोग कहते हैं कि बहुत गर्म माहौल हो जाता है, ये हो जाता है, आपका कहना क्या है? कुछ भी जो आपका कहना। हाँ, अच्छा ये बताइए कि कमी क्या है कॉलेज में, कमियाँ हैं कुछ या नहीं? तो कॉलेज हॉस्टल में, कैंपस हॉस्टल में रहती होंगी, वो बताएंगी। अच्छा, आप कॉलेज कैंपस में नहीं रहती हैं? माहौल काफ़ी अच्छा है, सब अपना अपना प्रैक्टिस में जुड़ा हुआ है, लाइक एवरीवन इज ट्राइंग टू कम्पीट अदर्स, सब अपने आप। लोग बोल क्या रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ तो देखने को नहीं मिल रहा है, बट सब अपने अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग, अपने अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही वोट देते हैं, तो वैसे ही वोट। आप किन को वोट दीजिएगा, मतलब कि वो लोग क्या ऐसा कर देंगे कि आप उनको वोट दे दीजिएगा? कुछ होता है ना कि सबके दिमाग में कुछ होता है कि भाई अगर ये वाला आदमी अगर ये कर देगा ना तो मेरा वोट उसी को जाएगा? नहीं, आई थिंक एवरीवन शुड कम विद अ पर्टिकुलर स्कीम, अलग अलग स्कीम के साथ आना चाहिए और जो भी स्कीम किसी को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, सब फैसिनेट करता है, वो उसको ही वोट देगा। सबके लिए कमी क्या है कॉलेज में? कॉलेज में कमी है, कॉलेज में तो शायद कुछ ना कुछ तो कमी होगा। हाँ, कॉलेज में नहीं ठीक है, बट
थोड़े बहुत क्लासेस को लेके प्रॉब्लम होता है, वो डिपार्टमेंट वाइज डिपार्टमेंट अलग अलग चीज़ है। जैसे हमारे डिपार्टमेंट में कभी कभी होता है कि क्लास है या नहीं है कुछ पता ही नहीं चलता है, क्लास जाने के बाद 3 क्लासेस की जगह 1 या 2 क्लासेस होता है, ये तो डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है। हाँ, और इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा प्रॉब्लम है, हमारा क्लास बहुत खंडर जैसा दिखता है, खंडर हमारा डिपार्टमेंट काफी, उसको थोड़ा रिफर्बिशमेंट का जरूरत है, हमारा इंग्लिश डिपार्टमेंट। और माहौल गर्म है अंदर भी और बाहर भी? हाँ है, तो लग कैसा रहा, मजा आ रहा है? हाँ, जो लोग खड़े नहीं होते उनको ज्यादा मजा आता है। हाँ, अच्छा लग रहा है, मतलब फर्स्ट ईयर में। बताइए, चुनाव हो रहा है, अंदर का माहौल कैसा है और बाहर का माहौल कैसा है? अंदर का माहौल ठीक ठाक है, बाहर का नहीं पता। बाहर का नहीं पता। ये बताइए कि वोट किसको दीजिएगा, किसको, इन द सेंस कि वो लोग क्या ऐसा कर देंगे कि आप लोग वोट दे दीजिएगा, क्योंकि पहली बार आप लोग आएंगे कॉलेज में, फर्स्ट ईयर है और अभी चुनाव हो रहा है। फर्स्ट टाइम मेरा वोटिंग भी है, तो अभी तो सोचे नहीं किस बेसिस पे वोट देंगे। तो कमी क्या लगा फर्स्ट ईयर में? बहुत लोग आते हैं पहले दिन, कमी लगने लगता है कॉलेज में कि मेरे कॉलेज में ये नहीं है वो नहीं है। नहीं, मेरे कॉलेज में कोई कमी नहीं है, सब ठीक। माहौल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है। लड़कियाँ भी इंटरेस्ट लेती है ये चुनाव में? हाँ, लेती है। आप बताइए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर? फर्स्ट ईयर। चुनाव में कितना इंटरेस्ट? इंटरेस्ट ऑफ कोर्स होना भी चाहिए, सबको होना चाहिए, सबको होना चाहिए। नहीं, लड़की लोग उतना मतलब नहीं रखते। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबकी नीड्स है, सबकी प्रायोरिटीज है, सब देखते अपना। तो ये बताइए, अंदर का माहौल, बाहर का माहौल? माहौल काफी अच्छा है, मतलब सब हाँ, जो हमारे कॉलेज से कुछ लोग हैं वो लोग आते हैं, हमसे बताते हर चीज के बारे में। और ऐसे भी अभी चुनाव का टाइम है तो सभी आएंगे, सभी बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, सब बोलते हैं लोग। अब वो तो अभी हमारा फर्स्ट टाइम है, अब तो कमी है कुछ या नहीं कॉलेज में? कमी तो वैसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, नहीं, फ्रेंडली माहौल है हर चीज। आप किसको वोट दीजिएगा, किसको वोट दीजिएगा? सेम क्वेश्चन की वो लोग ऐसा क्या कर देगा, कर देगा क्या सब? होता है ना कि देखिए, एक बात, मगध महिला में दिल जीतना होता है, मुझे लगता है कि स्टूडेंट का दिल जीतना होता है। नहीं, कि ऐसा जरूरी नहीं कि सब जीतना, इन द सेंस कि वो लोग को जो चाहिए वो करना होता है। हाँ, सबकी जरूरत है कि मतलब जो चाहिए अगर वैसा होगा तो हम लोग जरूर वोट करेंगे, अगर वो हमारी नीड्स को फुलफिल कर लेंगे। कैसा नेता चाहिए, स्टूडेंट लीडर कैसा चाहिए, जो सबको देखे, मतलब सबकी सुन सके, सबकी सुन सके? Exactly. लेने की लीडर बनने के बाद भूल जाए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट लीडर कैसा चाहिए, जैसे ये बताए वैसे ही चाहिए। चलिए बताइए कि एक्साइटमेंट कितना है छात्र संघ चुनाव को लेकर? सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं। और माहौल कैसा रहता है कॉलेज का? हाँ ठीक है, अभी तो काफी लोग आ रहे हैं। अब ये बताइए कि वोट किसको दीजिएगा, मतलब किसको दीजिएगा, इन द सेंस बहुत लोग आते हैं ना कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आपके सामने क्या कोई बोलेगा कि आप उन्हीं को दीजिएगा? रवि, जो अच्छा करेंगे उसी को देंगे, जो अच्छा करेंगे। हाँ। और कमी क्या है ये बताइए कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में? और जो पुराने जीते वो ध्यान देते हैं लड़कियों पे कि नहीं, मतलब कि हाँ, भूल जाते हैं? देते हैं ध्यान। हाँ। देते हैं। और आप खुश हैं कि छात्र संघ चुनाव हो रहा है? हाँ, लेकिन लड़कियां भी इंटरेस्ट लेती हैं इस पॉलिटिक्स में? काफी लोग इंटरेस्टेड हैं, अभी आ गया है, अभी आ गया है। अंदर कैसा माहौल है अंदर? मतलब सब लोग अभी दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, जो जो उसका कैंडिडेट है उसको। कमजोरी कहाँ है कॉलेज में, क्योंकि अलग अलग मुद्दे को लोग लेके अभी एग्जाम स्टार्ट कर दिया है, तो लोग सब लोग एग्जाम में बिजी हो गए, जूनियर लोग कोई बात नहीं सुनने को तैयार है, अपना सब स्टडीज पे ध्यान दे रही है, स्टडीज पे ध्यान दे रहा है। तो आप देखिए, आप किसको वोट दीजिएगा, मतलब कि जो लोग होता है ना कि हम ये कर देंगे तो आप वोट दीजिएगा, आप कहाँ वहाँ? एक मिनट, जो मतलब काम करेगा, मतलब अगर किसी ऐसे रैंडम लड़के को वोट देने से अच्छा है कि हम जिसको जान रहे हैं, उसको अच्छे से जानते हैं, हम उसी को वोट देंगे, और उसी को वोट देने के लिए मतलब बोलेंगे सबको, उन्हीं का सपोर्ट जान रहे हैं उसको वोट देंगे। हाँ, ऐसे ही नहीं, रैंडम ऐसे किसी को नहीं, ऐसे कैसे किसी को दे देंगे, हम उसको जान ही रहे हैं, तो वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, और हमको मतलब अपनी एक्साइटेड है कि नहीं चुनाव को लेकर? बहुत ज्यादा है। क्यों, कारण सबसे बड़ा? क्योंकि मेरे अपने भाई खड़े हो रहे हैं इसीलिए। अच्छा, अपने बड़े भाई खड़े हो रहे हैं इसीलिए। चलिए, ये लोग भी हैं, कुछ खा रही है। बताइए, छात्र संघ चुनाव को लेके आप लोग एक्साइटेड रहते हैं कि नहीं रहते हैं? ये कोई मतलब नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब ठीक है। कोई मतलब है कि नहीं है? माहौल कैसा है अंदर का और बाहर का? अंदर शोर है इस बात को लेके, शोर है इस बात को। हाँ, आप बताइए, सबसे बड़ा इशू मगध महिला का क्या है? मगध महिला में आई डोंट एक्चुअली, मुझे उतना पता नहीं क्योंकि मैं यहाँ की हूँ। आप यहाँ की ही नहीं? हाँ। तो ये बताइए कि जो लोग वोट मांगने आए हैं वो क्या कर देंगे, क्या वोट दे दीजिएगा? यहाँ की ये यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेज की भी बात करूँ तो मैं ये इशू है कि जस्ट लाइक मैं फर्स्ट ईयर के, मैं एक एग्जांपल बता दूँ आपको कि मैं फर्स्ट ईयर में प्रॉब्लम हुआ था कुछ फॉर्म फिलिंग में, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग में। यहाँ पे टीचर्स ने उस टाइम तो अनसुना कर दिया, जब डेट निकल गया उसके बाद बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी जाके बात करो। मैं थर्ड ईयर में हूँ अभी। तो छात्र संघ चुनाव हो रहा है, एक्साइटेड कितना है? हाँ, हम तो बहुत एक्साइटेड, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है, 2 साल से कोरोना में तो हुआ नहीं। तो लड़की लोग ये नेतागिरी में, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखती है? हाँ, रखती है। हाँ। तो ये बताइए कि कमी क्या है आपके कॉलेज में? बहुत कमी है। जैसे
जैसे हम मेरे डिपार्टमेंट में तो है, डिपार्टमेंट में है। हाँ। चलिए आप वोट किसको दीजिएगा, मतलब कि वो लोग ऐसा क्या कर देगा कि आप वोट दे दीजिएगा? जो अच्छा करेगा उसी को हम वोट देंगे। क्या बोलेगा कि? क्योंकि बोलने के लिए तो सब लोग बोलेंगे कि हम ये करेंगे। हाँ, हाँ। तो कैसे होगा वोट? जो उस टाइम डिपेंड लगेगा कि अच्छा कर रहा है तो उसी को वोट दिया जाएगा, उसी को वोट दिया जाएगा। देखिए मगध महिला कॉलेज में हम मौजूद थे और यहाँ की लड़कियाँ क्या कुछ बोली है वो आपने सुन लिया। देखिए साफ पता चल रहा है कि लड़कियां भी इंटरेस्ट ले रही हैं पॉलिटिक्स में, और इस बार साफ कह दिए हैं कि छात्र संघ चुनाव को लेके हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, कोई हो या ना हो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो बस लड़कियों को क्या कुछ कहना था छात्र संघ चुनाव को लेके वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।